कहाँ पे है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है बाबू? या मैम यहाँ दो मतलब एक इसके साथ एक और बच्ची थी और एक आंटी यहाँ खड़ी थी, मे बी शायद, आई एम नॉट श्योर, मे बी शायद हो, आई डोंट नो। मायरा, तुम कैसे लेके आई मेरे बच्चे को? कहाँ से लेके आई हो? मेरे को ये पार्क में मिला है मेरा बच्चा। आप ऐसे कैसे लेके आ सकते हो? मेरी 2 मिनट नजर हटी और आप मेरी बेटी को ले आए। ओ हेलो, कैसे बोल रहे हो आप कि लेके आई है? वो बल्कि अकेली थी तो लेके आई है। ये मेरे को अकेले रोते हुए मिली है। मैं 2 मिनट फोन पे बात कर रही थी, एकदम मेरी लड़की गायब। 2 मिनट तो नहीं हुए, 2 मिनट ये भी नहीं। आप वहाँ नहीं थे। मैंने वहाँ पे 10 जनों से पूछा है कि आपने इसके साथ किसी को देखा है? वहाँ पे सबने मना कर दिया, नहीं हमने नहीं देखा इसको। तब मैं लेकर आई हूँ उसको। मैं आपके कंप्लेन लिखवाऊंगी, आप बच्चा चोर, आप मेरा बच्चा चुरा के लेके आए हो। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। अगर आपको इतनी अकल होती ना तो उस टाइम इसको अकेले नहीं छोड़ के जाते। कंप्लेंट किस बात की करोगे? पहली बात तो आपको खुद इतनी कॉमन सेंस होना चाहिए कि बच्चे को कैसे छोड़ रखा है तुमने। बस मैं तो रो रहा था, ये बात कर रही थी कि तो मेरे बच्चे मेरे फोन पे बात करे तो अपना बच्चा छोड़ दो। अगर बात कर रहे होते वहाँ आसपास होते तो दिखते ना। आप मैं ढूंढ रही थी, मुझे खुद ढूंढ रही थी, मेरी बेटी मिली नहीं। फिर वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आपकी बेटी को एक लड़की लेके गई। मैं वहाँ पे बोल के आई हूँ स्पेशली, अगर यहाँ पे कोई ढूंढते हुए आता है तो आप मेरे ऑफिस भेज देना, क्योंकि यहाँ पे सब जानते हैं। ठीक है, अगर मेरे को चुराना होता तो मैं यहाँ बैठी होती। तो चुरा के करेंगे क्या हम बच्चा? हम क्यों चुराएंगे? पहले तो मेरे को प्रूफ दो, ये आपकी बेटी है। ये मेरी बेटी है, ये देखो, ये मेरा प्रूफ देखो, ये मेरी बेटी है, ये देखो, ये मेरी बेटी है। आप कैसे लेके आ सकते हो किसी के बच्चे को? मैं भी पार्क में थी। ये वॉलपेपर पे इसकी फोटो लगी है। ये रही मेरी बेटी, ये देखो, ये मेरी बेटी। मेरे को और फोटो दिखाओ, वॉलपेपर पे फोटो लगी है। ऐसे तो मेरे को लग नहीं रहा। ये मेरी बेटी है। बेटा इधर आ, पहले इधर आओ, इधर आओ। छोड़ो, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। मैं उससे एक बार देख लूंगी ना, बच्चा खुद पता लग जाएगा। दो इधर, इधर दो। ये मेरी बच्ची है। पूछ बेटा मैं कौन हूँ? बेटा आपकी मम्मा हूँ ना, बताओ। ये देखो फोटो। तो सो रही है ना, क्या पता। पहले मेरे को प्रूफ दो ना इस चीज का, पता चले और कोई याद लेने आया। ऐसे थोड़ी भेजूंगी बच्चे को मैं। ये देखो, ये मेरी बेटी है, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये मेरी बेटी है। आप कैसे लेके आ सकते हो आप? अच्छा बच्चा दिखाओ मुझे। क्यों दूंगा मैं अपनी बेटी? मैं नहीं दे रही आपको अपनी बेटी। क्यों भाई, एक बार दिखा दो तो। ये आपकी बेटी है, वो तो सो रही है। वो मेरी बेटी है तो मैं आज आपको समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी आई है। जान के छोड़ के गई थी ना। मैं जान के क्यों छोड़ के जाऊँ? मैं 2 मिनट फोन पे करती, आप क्यों उठा के लेके आए? 2 मिनट में आप मेरी लड़की को, मैं उसी पार्क में थी, आपको मुझे बताना चाहिए था। भलाई का जमाना ही नहीं है, भलाई का जमाना ही नहीं है। वो बल्कि सेफ है, यहाँ बैठी है। उसको आज तुम अभी इसे चॉकलेट हमने सब कुछ खिलाया है, इसको अच्छे से रखा है। मैं कैसे मान लूं? क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने सुबह से अभी देखो शाम के 8 बज चुके हैं। बच्चा तुम्हें रोता हुआ मिला? रोता हुआ मिला आपको? बच्चा रोता हुआ मिला? सो रही थी ना ये। पर आप कैसे लेके आ सकते हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। आसपास भी मैंने बहुत जगह पूछा, ठीक है। मैं भी उसी पार्क में थी, मेरे पास मैं भी उसी पार्क में थी। पर आप मुझे कहीं क्यों नहीं दिखी? भाई इतना बड़ा पार्क है, मुझे क्या पता आप कहाँ पे हो? जहाँ से मेरे को बच्चा मिला वहाँ से ढूंढ के ले आई मैं, पूरे रोड में ढूंढ के आई हूँ मैं। बिल्कुल शर्म नहीं है, फोन पे बात कर देते हैं। मगन होगी, बच्चा साथ में है या नहीं है? मैं फोन पे बात कर रही थी, सामने खड़ी थी, मुझे पता नहीं लगा कब चली गई। और तब तक ये मेरी बच्ची मेरे साथ गायब होगी। मैं कब से उधर ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह। तुम्हें बताया है ना तुम्हारी बच्ची कहाँ है? ये बात बताइए। पूछ सकते हो? एक बार दे दो। मैं कुछ भाग नहीं रही हूँ यहाँ से। नहीं मैं नहीं दूंगी कुछ। अरे यार नहीं, हमारे यहाँ CCTV लगे हुए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब है, एक ऑफिस है ये मेरा। मारे बेटा बाबू, क्या नाम है इसका? मायरा। मायरा, मायरा ये कौन है आपकी? मायरा बताना बेटा मैं कौन हूँ? आपकी मम्मा हूँ ना मैं, इसकी मम्मा हूँ। तो मेरे गले से टटी लगी हुई है मेरी बेटी। चलो ठीक है, मानती हूँ मैं, लेकिन आपको इतना ब्लेम करने की क्या जरूरत है? आते ही आप मेरे पे चिढ़ाने लगी, मैं तो पुलिस कंप्लेंट करूँगी बच्चा चोरी। मैं बच्चा चोरी करके लाऊंगी आपको? मैं ऐसी लग रही हूँ? मैं कब से उल्टा आपको तो शुगर करना चाहिए, कहीं और नहीं गई है। कोई और बोरे में डाल के इसको ले जाता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, फिर क्या करती? पेरेंट्स हो ना तो इतनी लापरवाह मत करो कि फोन के चक्कर में बच्चों को भूल जाओ। मैंने फोन किया 2 मिनट में मेरी लड़की वहाँ से गायब। आप गायब होना कैसे कह सकते हो? वहाँ बता के आई है ये। मैं बताया खुद उस पार्क में ढूंढ रही थी ये अचानक। आपको बताया ना किसी ने कि हाँ भी कहाँ गई है लड़की? आपने पूछा ना कि लड़की लेके गई है, बता दिया ना यहाँ तक, तभी तो आई हो। हाँ जी। फिर अगर ना पता होता फिर? अच्छा बैठो, आप इतना परेशान मत हो, बैठो। मैं समझ सकती हूँ बच्चे के लिए आप हो गए। भैया एक गिलास पानी देना। ऐसे चिल्ला चुल्ली मत करो। देखो कंप्लेन की बात अलग होती है, पहले आप जानो तो सही बच्चा कहाँ है कैसा नहीं। आपको ये मिल गई, अगर मैं नहीं होती वहाँ और कोई होता फिर क्या होता ये। पानी पे पानी बच्चे की थोड़ी केयर रखा करो कि भाई बच्चा कहाँ है, आपको इतना पता होना चाहिए। आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड, हम 3 जन। तो आप यहाँ पार्क में क्या कर रहे थे? मैं इसे खिलाने आई थी यहाँ पे और मैं एकदम मुझे ज़रूरी कॉल आ गई, मैंने अटेंड की तो 2 मिनट में ये गायब हो गई। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ कब से, फिर मुझे किसी ने कहा कि एक लड़की लेके गई है वहाँ, उसका ऑफिस है, ऐसे चले जाओ। तो आपको सुबह से शाम हो गई, अब आए हो आप? मैं वही ढूंढ रही हूँ सारी जगह, मुझे खुद नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किलों से पता कर करके आई। खुद बहुत परेशान हूँ मैं, क्या बोलते घर में रहती हूँ, मैं उसकी केयर करती हूँ, एकदम ही मेरा आप चली गई है एकदम, तो मैं कैसे मैं बर्दाश्त करूँगी। सॉरी मैंने आपको ऐसे ऐसे बोला, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। अब एक बताओ, किसी की बच्ची जाएगी तो माँ की जान तो निकलेगी ना। एक्चुअली मुझे इतना अर्जेंट कॉल आ गया कि एकदम मेरी लड़की मेरी आंखों से चली गई तो मुझे तो होएगा ही ना, मैं ही इसकी माँ हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए ना, बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ जी ये मानती हूँ, पर आई एम सॉरी मैंने आपको गुस्से में बोला, पर मैं परेशान थी। मैं समझ सकती हूँ, सुबह से ये भी परेशान थी, पहले तो बहुत रो रही थी, मुझे पार्क में ये रोती हुई मिली, मैंने इसको उठाया, मम्मा मम्मा कर रही है ये, मैं जगह जगह पूछ रही हूँ, कुछ नहीं पता लग रहा। फिर मैं कहा वहाँ तो छोड़ नहीं सकती मैं, किसी के पास भरोसा नहीं आजकल किसी का। मैं उठा के ऑफिस लाई, इसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, चॉकलेट खिलाई, फिर तब से ही सो गई थी थोड़ी देर, अभी उठ के आई, रो रही थी, फिर मैंने इसको चुप ही करा दी थी जितनी देर में आप आ गए। थैंक यू सो मच, मेरी बच्ची का ध्यान रखा आपने। आप इसको आराम से रखो और इतनी देखभाल से रखा करो बच्चों को ना, इधर उधर मत छोड़ा करो, आजकल का ज़माना नहीं है ऐसे छोड़ने का, सेफ नहीं होते। छोड़ा नहीं था मतलब, मेरी एकदम आंखों के सामने से चली गई, बस मैं फ़ोन पे एकदम अटैक किया, एकदम मैं चली गई, मैं वहीं पे थी। मैं खुद मैं जब वहाँ मायरा 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 करके मैं आगे आगे ढूंढने गई, मुझे खुद को नहीं पता लगा मेरी बच्ची कहाँ गई। मैंने वहाँ पे बहुत जगह पूरे पार्क में, आधे से ज़्यादा पार्क में इधर उधर ढूंढा मैंने, मुझे नहीं दिखे। मैं चलो ऑफिस का मैं बता, मैं सारी जगह ढूंढ रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से एक लड़की ने बोला ये ऑफिस यहाँ पे जाओ, फिर मैं तब आई। वहाँ पे एक लड़का लड़की भी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आते, मैं कहा हाँ यहाँ पे बता देना, मैं नंबर दे के आ गई थी। फिर उन्होंने बताया कि मैडम ऐसे ऐसे जाओ तो क्या नाम है ये रास्ता है तो फिर आपको मिल जाएंगे। फिर एक बताओ मुझे थोड़ा सा होएगा, आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे बोली, पर मैं परेशान थी। आप रो मत, परेशान मत हो, आप बच्चे को ले जाओ आराम से, ठीक है, कोई नहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं ओके बाबू जाओगे, बाय 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 कर दो, हेलो कर दो, नहीं करना। अरे मम्मी मिल गई तो सबको भूल गए। चलो ठीक है, आप आराम से जाओ, ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके।